जमुई के झाझा में जिलाधिकारी अवनीश सिंह ने नौका विहार के दौरान सुरक्षा संबंधित पहलुओं का जायजा लिया है। वहीं सभा स्थल पर तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम अवनीश सिंह ने कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड निर्माण संबंधित पहलुओं का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि झाझा के नागी डैम में आयोजित होने वाले महोत्सव के सारी व्यवस्थाओं को परिपूर्ण करने के लिए जिले के तमाम पदाधिकारी नागी डैम में निरीक्षण करते नजर आए। 15 जनवरी से 17 जनवरी तक मिनट टू मिनट कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। झाझा के नागी डैम पर आयोजित राज्य पक्षी महोत्सव कलवर में दूसरे दिन यानी 16 जनवरी को सूबे के सीएम नीतीश कुमार का आगमन होगा और वे पक्षी आश्रयणी कलवर का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि इन तीन दिनों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पहले दिन वर्ड रेस, पेंटिंग, वर्ड क्विज, कबड्डी, वोटिंग, पेंटिंग सहित कई प्रकार की क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसके लिए बच्चे सुबह 7 बजे से 11 बजे से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। 16 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार यहां पहुंचेंगे और आश्रयणी का उद्घाटन करते हुए साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। सीएम द्वारा नागी नकटी पक्षी आश्रयणी का उद्घाटन, पक्षी अभयारण्य का लोगो लॉन्च किया जाएगा। फिर सीएम स्थल निरीक्षण करेंगे और नागी डैम घूमेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री वहां बने पक्षी गांव जाएंगे और पक्षियों को देखेंगे।